ये है वक्त मीडिया। मेरठ के इल्मी व अदबी कस्बे अजराड़ा में 24 अक्टूबर 2019 को हिंदू मुस्लिम एकता ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद किया गया। सरपरस्त मुशायरा हाजी असद गुलजार, सदर मुशायरा रहे हाजी अब्दुल सलाम, नायब सदर रहे हाजी इश्तियाक, मेहमानान खुसूसी रहे डॉक्टर नासिर शिव शांति हॉस्पिटल और खुर्शीद चौधरी। इफ्तिताह किया कल्लू पंडित ने। शमा रोशन की गांव के हरदिल अजीज प्रधान जी जुल्फिकार और जावेद त्यागी किठोर ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे हैंडसम बॉय मोहम्मद जावेद चौधरी। को कन्वीनर रहे आसिफ चौधरी टाटा। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे अदब नवाज शख्सियत असलम बाबा। सेक्रेटरी रहे इमरान वहाब और खजांची रहे शाहरुख चौधरी। और मुशायरे की खूबसूरत निजामत रियाज सागर ने फरमाई, आज के इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं आपके दयार के एक ऐसे शायर से जो अपने कलाम के जरिए जहां एक तरफ अपने महबूब से गुफ्तगू करता है तो दूसरी तरफ हयात कायनात के मसाइल और जिंदगी की सच्चाइयों को भी बेनकाब करता है। मेरी मुराद है जनाब फरमान जहीर से इस शेर के साथ के उस आदमी के लबों पर बहुत खराशें थी जो कह रहा था कि फूलों से प्यार मत करना। आप इस्तकबाल करें जनाब फरमान जहीर का। मौजिद सामने हजरत गिरामी, सराउनी और अजराड़े में कोई फर्क नहीं है, ये भी मेरा दयार है, मेरा अपना घर है। इससे कबल मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अजराड़ा जो अजराड़े के अतराफ में जो गांव है ऐसे गांव नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान में ये जगह शाहिद है और यहाँ से एक चश्मा जारी होता है अदब इरफा का। ये अजराड़ा मौलाना अब्दुल्ला मुगेसी की सरजमी है। ये माइक चल रहा है, ये मीडिया है, ये पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। के साथ लोगों बदल जाओ तुम, वक्त के साथ लोगों बदल जाओ तुम, दौर नाजुक है अब तो संभल जाओ तुम। वक्त के साथ लोगों बदल जाओ तुम, दौर नाजुक है अब तो संभल जाओ तुम। भीख चाहे भिखारी को दो या ना दो उसकी हालत पर लेकिन पिघल जाओ। भीख चाहे भिखारी को दो या ना दो उसकी हालत पर लेकिन पिघल जाओ तुम, और जिसने लाकर कलामे इलाही दिया उस बशर के तरीके पर चल जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और शेर देखें यहाँ से एक मतलब दो तीन शेर हाजिर करता हूँ। मुझे यकीन हो गया कि मुझे कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। बरसात जब भी गम की बरसती शुक्रिया, आपने मेरे मतले की हिफाजत की, बहुत बहुत शुक्रिया। जर्रा नवाज, देखिए माँ के हवाले से सब शायर शेर पढ़ते हैं अक्सर। मैंने कोशिश की है माँ और बाप यानी वालदैन को अपने सांचे में ढालने की कोशिश की है। अगर कहीं तक मेरा शेर पहुंच गया हो तो दुआओं से नवाज दें। बरसात जब भी गम की बरसती है दोस्तों, जिसने भी वालिदैन के अब
मैं ये खामोश हूँ कि आप शेर को समझने से पहले कैसे दाद दे रहे हैं। अच्छा उनके लिए थी। उनके लिए दाद है भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा इनके लिए तो ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। संत राम जी उर्दू की मोहब्बत में बहुत बहुत शुक्रिया संत राम जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शेर हाजिर करता हूँ। जिसने भी वालिदैन के हक को अदा किया, जिसने भी वालिदैन के हक को अदा किया, रहमत खुदा की उस पे बरसती है दोस्तों, रहमत खुदा की उस पे बरसती है दोस्तों। वाह वाह शुक्रिया प्रधान जी। देखिए मेरी मेहतर मेहनत वसूल हो गई। अब से आगे जो सफर होगा तो इंशाल्लाह मुनाफे की तरफ होगा। अच्छा नहीं, नौजवान के लिए मेरे पास खास है, मैं उसके लिए दो मिनट का और मौका दीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जितनी मुझसे खिदमत होगी। रियाज सागर साहब की निजाबत में पहली बार मुझे शर्फ हासिल हुआ गजल पढ़ने का। जी 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 कुर्बान जाऊं तुझ पे ए जिल्ले जलाल में, कुर्बान जाऊं तुझ पे जिल्ले जलाल में, कुदरत छुपी छुपी हुई है तेरी डाल डाल में। और शेर हाजिर करता हूँ, शेर बतौर खास। कुर्बान जाऊं तुझ पे जिल्ले जलाल में, कुदरत छुपी छुपी हुई है तेरी डाल डाल में। और या सागर साहब मेरा शेर देख लें। बेगैरती करीब आ कुछ हौसला बढ़ा, बेगैरती करीब आ कुछ हौसला बढ़ा, मतलब हाजिर करता हूँ। बरकत नहीं हराम की रोजी मैं सोच ले, बरकत नहीं हराम की रोजी मैं सोच ले, फरमान फर्क देख हरामो हलाल में, फरमान फर्क देख हरामो हलाल। ये तो दो इकलौते दोस्त हैं जनाब हाजी असद गुलजार साहब, इकलौते दोस्त हैं। ये उनकी मोहब्बतें हैं, मुझे लाके आपके सामने आपकी अदालत में खड़ा कर दिया। यहाँ से मैं मतलब हाजिर करता हूँ। एक शख्स आज मुझसे मुलाकात कर गया, शख्स आज मुझसे मुलाकात कर गया, बेनूर जिंदगी में करामात कर गया, बेनूर जिंदगी में करामात कर गया। और व्हाट्सएप के लिए आपके लिए शेर हाजिर करता हूँ। चांदी की एक अंगूठी गुलाबी रुमाल में, चांदी
चांदी की एक अंगूठी गुलाबी रुमाल में वो पेश मुझको प्यार की सौगात कर गया, वो पेश मुझको प्यार की सौगात कर गया। कुछ इस तरह गया वो मुझे तन्हा छोड़कर, रंजो गमो मलाल की बरसात कर गया। बहुत खूबसूरत उम्दा और मैयारी अशआर से नवाज रहे थे भाई फरमान जहीर साहब। और दोस्तों मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वाकई निहायत ही शाइस्तगी और तहजीब वकार के साथ उनको सुना, अपनी मोहब्बतों से नवाजा, और जैसा लोकल शायर को सुनते हैं उससे ज्यादा आपने मोहब्बतें दी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो आपके दयार के शायर हैं। मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने दयार के शायरों को, अपने पड़ोसियों को भी बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं। मुझे आपका जायका तब्दील करने का जी कर रहा है।